वेलकम टू माइंड स्ट्राइक। और आज हम खेलने वाले हैं चू चू चार्ल्स, एक ऐसी मॉन्स्टर ट्रेन जो सबको मार डालती है, और आज हम उसका काम लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम इस गेम को फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। तो भैया गेम शुरू करते हैं। भाई अभी तो गेम में कहानी ही चल रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है मुझे फोन पर कि भाई चू चू चार्ल्स कैसा मॉन्स्टर है, उसे मारना पड़ेगा। चलो भैया गेम लोड हो रहा है, लोडिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर एक बुड्ढे दद्दू के साथ हम नाव में बैठे हुए हैं और वो हमारी तारीफों का पुल बांध रहे हैं। ओके, ये दद्दू की झोंपड़ी है, क्या करने का अब, क्या करना है अब? अरे कुछ बोल भी नहीं रहा यार। गेट खोलने की ट्राई करता हूँ मैं, गेट भी नहीं खोल रहा, ये बुड्ढा भी कुछ नहीं बोल रहा। कुछ यहाँ से कुछ उठाना है क्या मुझे, चाबी वगैरह? बुड्ढे के पास ही चलता हूँ। अरे यार दादू कुछ बोलो ना भाई। ओके तो इन पे क्लिक करने का था, चलो कोई बात नहीं। देयर इज अ ट्रेन शेड अप द टॉप ऑफ द हिल। ठीक ठीक ठीक, हाँ आगे भी तो बोलो कुछ। अच्छा एक और क्लिक करना है, जितनी जल्दी हम क्लिक करते जाएंगे उतनी जल्दी अपनी बकवास खत्म करेंगे। ठीक है जल्दी कर भाई। लेकिन दोस्तों कहानी सुनना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कहानी नहीं सुनेंगे तो फिर हमको पता नहीं चलेगा ना कि एक्चुअली में करना क्या है आगे जाके। चलो भाई तद्दू ने गेट खोल दिया, भाग गए। अबे रुक जा भाई, अरे मेरे लिए तो रुक जा, भाग मिल्खा भाग। ओके मैंने भी दौड़ लगा दी है भाई दद्दू के पीछे पीछे। भाई माहौल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलते टाइम, मैं सच बता रहा हूँ। वाह, अच्छा यहाँ पर एक भूतिया हवेली पे पहुँच चुके हैं। ओके चल दद्दू पे क्लिक करते, बता भैया क्या करना है? कुछ बता ही नहीं रहा भाई। चूचू आ जाएगा अभी, गेट खोलूँ? गेट नहीं खोला, कोई सा भी गेट नहीं खोल रहा है, गेट खोलो। क्या करें क्या करें क्या करूं, बड़ों से पूछते हैं। अरे बताना भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है Not to worry, we can still find a way. ठीक है, ये बोल रहा है कि हमको एक चाबी ढूंढनी है। ठीक है हम चाबी ढूंढ लेंगे, उसने चाबी की लोकेशन हमारे मैप पे मार्क कर दी है। ठीक है ओके, तो हमको मैप को फॉलो करना है और चाबी ढूंढनी है। मैप पे जाएंगे हम, और थोड़ी सी दूर पर एक और झोंपड़ी है जहां से हमको चाबी लेकर आनी है। पैदल जाना है क्या, क्योंकि यहाँ पर तो रेल है ही नहीं, तो फिर हमारी ट्रेन कैसे जाएगी? चलो कोई बात नहीं, रास्ते को मैंने समझ लिया है। चलूं? तुम नहीं चल रहे साथ में? अबे अकेले ही जाना है लगता है मुझे। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, ये तो दो कदम की दूरी पर थी। और यहाँ पर चलो ये दरवाज़ा खुल गया, कोई दरवाज़ा तो खुला, और सामने रखी है चाबी, वेरी इजी। और देखें क्या कुछ है क्या यहाँ पे, कुछ कुछ नहीं है, खाली है झोंपड़ी। अबे अभी क्या हो गया भाई, कहाँ फंस गया मैं? बहुत दिन बाद मैं कोई गेम खेल रहा हूँ ना भाई, इसलिए मुझसे ऐसी हरकतें हो रही हैं। खैर कोई बात नहीं, दद्दू के पास वापस चलते हैं। ये लो मैं चाबी लेके आ गया, गेट खुल गया, वाओ। चलो गेट खुल गया, अंदर चलते हैं। क्या करूं भाई, अच्छा ये बुड्ढा तो यहाँ पे है, ये है हमारी ट्रेन। ठीक है बेड़ू, क्या करें? ये बोल रहा है कि वो ट्रेन का एक्सटीरियर देखेगा, हमको ट्रेन के अंदर जाकर देखना है, ट्रेन कैसे चलती है हमको सीखना पड़ेगा, ट्रेन को चलाकर ही हम उस मॉन्स्टर को मार पाएंगे। चलो ट्रेन के अंदर चलते हैं। तो भैया यहाँ पर है ट्रेन, और इसमें ये एक मैप है, अच्छा ये मैप नहीं है सॉरी, इसमें ट्रेन के अपग्रेड्स हैं, ट्रेन की हेल्थ स्पीड सब कुछ, सबकी तो वाट लगी पड़ी है भाई, इस ट्रेन को बहुत रिपेयर करना पड़ेगा। ओके ये लीवर्स हैं, रेड वाले से ब्रेक लगता है, और ग्रीन वाले से आगे जाती है, और येलो वाले से ट्रेन में रिवर्स गियर लग जाता है, मतलब ट्रेन पीछे चली जाती है। कूल, एक पेंट का डिब्बा रखा हुआ है, और ये एक मशीन गन, वाओ इसमें गोलियां हैं,
कोई बात नहीं, मजा आएगा, मजा आएगा भाई, गोलियां चलाने के लिए तो हम आए हैं। तो क्या करें, ट्रेन को आगे बढ़ा दें क्या? थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए। यहाँ पर, यहाँ पर तो मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। इस बॉक्स में भी कुछ नहीं है, इसको तो हम ओपन ही नहीं कर सकते। हम केवल उसी चीज़ को ओपन कर सकते हैं जो चमकने लगती है, और यहाँ पर ये कुछ चमक नहीं रहा है। चलो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा ट्रेन के अंदर। ट्रेन की हालत इतनी खराब भी नहीं है। Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. बड़ों ने बोल दिया ट्रेन बहुत झकाझक है, एकदम शानदार ट्रेन है, इसको लेकर चलते हैं हम। इस ट्रेन का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? हो गया। अच्छा, यहाँ पर ट्रेन को कंट्रोल करने के कुछ कमांड्स बताए हैं, कौन से बटन से ट्रेन आगे जाएगी, कौन से बटन से ट्रेन पीछे जाएगी। तो हमको तो पहले ही मालूम है, ग्रीन से ही आगे जाएगी। ये दीवार तोड़ती हुई ट्रेन हमारी निकल चली है जंगल की तरफ भाई साहब। और थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं ट्रेन की स्पीड। हाँ, ट्रेन की स्पीड अच्छी खासी। साले इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे गुड्डे तू अंदर चला गया, मर गया ना तो फिर बच नहीं पाएगा, मर गया तो बच नहीं पाएगा। ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये अबे मेरी गन चूचू चार्ली तेरी ऐसी की तैसी। भाई वो कहाँ गया, मर गया क्या बुड्ढा? हैं, बुड्ढा कहाँ गया? ओ तेरी, मर गया क्या भाई साहब? इस जंगल में अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो हमको ट्रेन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो चूचू चार्ली फिर से आ जाएगा। ट्रेन को रोक कर देखते हैं भाई, क्या पता वो बूढ़ा पीछे दौड़ लगा रहा हो, फिर वो सोचेगा कि गौरव भाई कितने एहसान फरामोश है, मैंने ट्रेन दिलाई और मुझे अकेला छोड़ के भाग गए। बूढ़ो भाई, भाई साहब बहुत डरावना माहौल है, पानी गिर रहा है, रात का अंधेरा है, सुनसान आइलैंड पे मैं अकेला फंसा हुआ हूँ। ओहो हो, क्या करें। चलो भैया, इससे पहले कि चूचू चार्ली आ जाए, निकल लेते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने मिशन की तरफ। यहाँ पर हमारी रेलगाड़ी चल रही है और यहाँ पर दो रास्ते हैं, ठीक है। तो पहले छोटे वाले लूप को ही कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। मैप पे बिजलियाँ क्यों गिर रही हैं भाई? ओके, चलो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है ताकि मुझे यहाँ पर पता चल जाए कि मेरी ट्रेन को कहाँ पर टर्न करना है। और चलते हैं हम अपने मिशन की तरफ। भाई साहब क्या तो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गेम में। वैसे मुझे कोई खास डर नहीं लग रहा, बट मज़ा आ रहा है। यहाँ पर लाल बत्ती आ गई है और हमारी ट्रेन रुक गई है, ठीक है। हम मोड़ पर हैं और चलते हैं एक पर्सन की तरफ जो हमने मैप पे मार्क किया हुआ है, और देखते हैं कि ये पर्सन हमको क्या बताता है। भाई साहब वो बंदा नज़दीक आ रहा है जो भी हमारे मैप पर मार्क्ड है। और चूचू चार्ली का तो कुछ पता ही नहीं है, ट्रेन को रोकते हैं। ये मैंने ट्रेन में ब्रेक लगाया, ओके ओके, और यहाँ पर मैं उतर गया हूँ। यहाँ पर ये मोटा इंसान बैठा है। हेलो मोटे भाई, अब इनकी बकवास सुनो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये बोल रहा है कि हमको कुछ स्पेयर पार्ट्स देगा ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए, बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसने हमको एक चाबी दी है, बान की चाबी है, और हमको जाना है उस बान पे। चलिए मैप को खोल कर देखते हैं, पहले दरवाजा खोल कर देखते हैं। नहीं, ये नहीं खोला है। मैप को ओपन करके देखता हूँ। अच्छा, ये है टोनी बान। यहाँ पर हमको पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ,
ओके चलिए शुरू करते हैं आज का फाड़ वीडियो। चलो भाई साहब रास्ते में लाइट वाइट लगी हुई है। मजा आ रहा भाई मजा आ रहा है। ये है इसका बान, इसका गेट कहाँ है? यही है क्या इस साइड? अबे गेट कहाँ है इस बान का? ये तो मैं झोपड़ी के पीछे आ गया, यहाँ भी गेट नहीं है। भाई इतना डर लग रहा है कुछ समझ। ये गेट ये है। बिजली कड़की तो रोशनी हुई। चलो एक गेट और खुल गया है। कहाँ खुला है? अच्छा ये खुल तो गया है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये गेट बंद नहीं होता ना। माइनक्राफ्ट में हम गेट बंद कर सकते थे बट यहाँ पर नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर कबाड़ा उठा लिया है। भाई साहब बहुत स्क्रैप मिल गया है यहाँ पे। तो ये सारे स्क्रैप से मैं अपनी ट्रेन को अपग्रेड करके एकदम पावरफुल ट्रेन बना दूंगा। मैं चेन्नई एक्सप्रेस को मैं बुलेट ट्रेन बना दूंगा। ये मैप पे क्या लिखा हुआ है? चिकन फीट, गोट फीट, क्या बकवास है, छोड़ो। अपन देखते अपन तो स्क्रैप उठाने पे ध्यान दो भाई साहब। ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर कुछ माल मसाला मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर गुड, यहाँ पर स्क्रैप मिल गया है और एक और स्क्रैप मिल गया है और एक और नोट मिल गया है, लेकिन हमारे पास इसे पढ़ने की फुर्सत नहीं है। पढ़ने लिखने में हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अभी हम गेम खेल रहे हैं। बाहर चलते हैं मोटू मतलब टोनी के पास। अब टोनी हमें क्या ही दे देगा? टोनी के बान का सारा माल तो हमने उठा लिया है। चलो भाई एक बार और दरवाज़ा खोलने का ट्राई करते हैं। नहीं खोला, कोई बात नहीं, ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन को अपग्रेड करेंगे। भाई साहब ट्रेन के अंदर आकर एक अलग ही सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, मैं सही बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये है डैमेज लेवल, 5 स्क्रैप है मेरे पास। चलो डैमेज लेवल को ही मैं मेंटेन करता हूँ और आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके काफ़ी दूर जाना है, कूल चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। कूल काफ़ी पास हूँ मैं भाई। मैप पे मार्क कर दो ना तो काफ़ी इजी हो जाता है, पता चल जाता है कि हम कितने दूर हैं कितने पास हैं। ये मैंने ट्रेन रोक दिया, रुकी रुकी रुक जा, रिवर्स चलते हैं। भाई साहब ट्रेन को पूरी तरीके से चलाना सीखना पड़ेगा। ये मैंने ब्रेक लगाया, ओके एक और झोपड़ी। भाई बहुत लोग रहते हैं यार इस आइलैंड पे तो। यहाँ पर एक लड़की है पिकल। यहाँ लोगों के जान के लाले पड़े तो ये अचार खाने की पड़ी हुई है, पागल औरत। चलो खैर कोई नहीं, हमारा मिशन है इसके लिए अचार लेकर आना। और अचार बहुत दूर रखा भाई अचार, इसका तो जान चली जाएगी मेरी। चलो खैर कोई बात नहीं चलते हैं। भाई साहब क्या तो डरावना सीन है। कहाँ पर हूँ मैं? अबे ओ ये क्या हुआ? अच्छा ओके ओके ठीक है, हम सही रास्ते पे आ रहे हैं। दौड़ लगाते हैं इससे पहले कि चूचू द चार्ली आ जाए और हमारा अचार बना के खा जाए। चलो भाई उत्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये तो है, यही है आई थिंक, राइट यहीं पर रखा हुआ है आम का अचार। चल भाई घूम कर चलते हैं क्योंकि क्या पता यहाँ जंप करने से हमारी जान चली जाए। देख रहे हो भाई देख रहे हो, बिजली कड़क रही है।
तो घूम फिर कर हम सही रास्ते पर आ गए हैं। ओके भैया, कहाँ पे रखा है अचार? अचार को अपने घर में रखना चाहिए ना, ऐसे पहाड़ों में छुपा कर कौन रखता है? देखूँ मैं ज़रा आसपास, कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर अचार वाला मिशन हमको पूरा करना है। तो भाई ये गुफा है, गुफा के अंदर ये पेटी है लेकिन ये खुल ही नहीं रही है, ना ये चमक रही है, मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत आ गया हूँ, मालूम है गलत आ गया हूँ। मैं आसपास देखता हूँ मुझे कोई की मिल जाए तो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब दो टर्निंग पॉइंट्स है ना, तो ट्रेन को मुझे लेफ्ट या राइट में टर्न नहीं कराना था, मुझे सीधे आना चाहिए था। आई थिंक हम गलत आ गए हैं, गलत आ गए, हमको ट्रेन को वापस ले जाना पड़ेगा। मतलब मैं वापस जाऊँगा जहाँ से वो ट्रेन को टर्न कराना था, और पहले मैं सीधे जाऊँगा। पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा। शिट यार, पहले वीडियो में ये मिशन अधूरा रह गया। चलो अब तो मैं वापस जा रहा हूँ, फिलहाल तो उस लड़की की तरफ वापस जाता हूँ। तो गाइस अब हम जाएंगे वापस अपनी ट्रेन की तरफ, और दूसरा मैप का जो रास्ता है पहले उस पर जाएंगे, मे बी हमें वहीं पर जाना था। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और हाँ अगर कुछ तुम लोगों को मालूम है, तुम जू चार्ली पहले खेल चुके हो तो मुझे बता देना कमेंट में भाई आगे क्या 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 करना है, सो दैट की मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इन्जॉय करो, मिलते हैं अगले तगड़े गेमिंग वीडियो में।